क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों की मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश को हमें हर हाल में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाना है। लीडर वही है जो सही दिशा में जनता को ले जा सके। मेरा यही आग्रह है कि आप जनता को सही दिशा में लीड करें। मैं देख रहा हूं कि जहां हमने अनलॉक किया है वहां कुछ जगह भीड़ अनियंत्रित हो रही है। हमें यह नहीं होने देना है। हम बार बार लॉकडाउन नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के जिलों के प्रभारी मंत्रियों, प्रभारी अधिकारियों, जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को संबोधन के दौरान साफ कहा, हम बार बार लॉकडाउन नहीं कर सकते, इसीलिए भीड़ को कंट्रोल किया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में पेड़ लगाने के अभियान को गति देना होगी। आप अपने हर गांव में दो लोग ऐसे छाटिए जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, उन्हें मिनिमम बेसिक ट्रेनिंग दी जाए जिससे वे गांव में होने वाली बीमारियों पर नजर रख सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण का कार्य ठीक से हो, सरकार ने कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना बनाई है, इसका क्रियान्वयन भी ठीक से हो। रोग से निरोग अभियान से लोगों को बहुत फायदा हुआ है, जिसे जारी रखा जाए। कोविड के प्रति जागरूकता के लिए क्षेत्रीय भाषा में गीत तैयार कर भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। प्रयास अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन ध्येय हमारा सबका कोरोना की रोकथाम ही है। हमें प्रदेश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाना है। कई चीजें अपनी खुल गई है, कुछ चीजों पर हमने अभी प्रतिबंध लगा रखा है, तो उसके बारे में भी हमको विचार करना है कि जो बड़ी चीजें हमने रोकी है। मैं आज आपसे ये भी सुझाव और सलाह चाहता हूं कि बाजार तो खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी चीजें, शादी विवाह, बाकी आयोजन कार्यक्रम, पूरी जिम्मेदारी से, ऐसा नहीं कि लोग कह रहे हैं तो अपन मान के कर दे, पूरी जिम्मेदारी से हम बढ़ने नहीं देंगे संक्रमण। तो कितनी चीजें हमको नियंत्रित रखनी चाहिए उसके बारे में भी आपसे सुझाव चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने योग से निरोग अभियान चलाया है, अपने क्षेत्र में हम योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का, स्वास्थ्य जीवन का अंग बनाने का अभियान गांव-गांव चला सकते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सीएम ने कहा कि जितनी योजनाएं हमने कोविड काल में बनाई हैं, जैसे कोविड बाल सेवा योजना, अनुकंपा नियुक्ति योजना, विशेष अनुग्रह योजना और कोविड उपचार योजना, इन सब का प्रभावी क्रियान्वयन हो, कोई भी जरूरतमंद ना छूटे। मैं देख रहा हूं कई जगह जहां अनलॉक हुआ है वहां भीड़ बढ़ रही है, इससे फिर खतरा बढ़ सकता है। एक हमने योग से निरोग अभियान चलाया, उसका बहुत लाभ हुआ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, अपने क्षेत्र में हम योग को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक माध्यम बना सकते हैं क्या? योग प्रशिक्षक हैं हर जिले में, उनका उपयोग करके आप छोटे छोटे कार्यक्रम, वही करना है, 5-5 लोगों की, ज्यादा बड़ी संख्या के नहीं होने होंगे, हर गांव में कैसे हो जाए और योग जीवन का अंग कैसे बन जाए स्वस्थ रहने के लिए, आपके क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं आप। मैं केवल मंडल स्तर पर नहीं, आप कोशिश करें जितने गांव में हो सके करवाइए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और बाद में वो लगातार चलता रहे, इसकी कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण का काम प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। आप तय कीजिए कैसे ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो, किसे प्राथमिकता मिले टीकाकरण में। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देखेगी कैसे टीकाकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले। इन सब के मूल में है कोरोना के संक्रमण को रोकना। हम लॉक करके नहीं कर सकते। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।